हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले कुछ नए और डुअल फोटो एडिटिंग। दोस्तों तो दोस्तों हमें सबसे पहले आना है पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट में आने के बाद दोस्तों हमें नीचे जाना है और ये कलर बैकग्राउंड में जो आपको एम्प्टी वाला दिख रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों एम्प्टी लेयर लेने के बाद दोस्तों हम जाएंगे ऐड फोटो में। हमें दोस्तों ये दो फोटो ले लेनी है। दोस्तों याद रखना कि आपको सेम टू सेम एक ही लोकेशन पे फोटो क्लिक करनी है, जैसे मैंने किया है दो फोटो क्लिक। आपको दोस्तों सिंपल इसे इस तरह से बड़ा करना है और इसे इस तरह से लगा देना है इधर, और इसको भी बड़ा करके इस तरह से लगा देंगे। दोस्तों इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ऑपेसिटी को कम करेंगे दोस्तों, नहीं तो ऑपेसिटी को रहने दो। इरेज में जाएंगे दोस्तों, इरेज में जाके हार्डनेस को कम और साइज को बढ़ाकर इस तरह से इरेज करेंगे दोस्तों हम। ये देखिए दोस्तों, इस फोटो के साइज दोस्तों थोड़ी सी बढ़ा लेंगे हम। इतने ठीक है दोस्तों, इसको टच करेंगे इसके ऊपर और इस तरह से रिस्टोर कर लेंगे दोस्तों इस साइड को। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इसे ऐड कर लेंगे दोस्तों इस साइड को, और जो भी इस साइड में आया होगा उसे हम इस तरह से इरेज कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, एकदम परफेक्ट लग रहा है ये। इस तरह से ऐड हो जाएगा दोस्तों फोटो। ये देखिए दोस्तों, एकदम रियल लग रहा है। डन करेंगे दोस्तों हम इसे। डन करने के बाद दोस्तों कॉर्प में जाएंगे और इसे अपने साइज में कट कर लेंगे उसके साइज में। इफेक्ट में जाएंगे दोस्तों, ब्लर पे जाएंगे और इरेज करेंगे दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर। डन करेंगे दोस्तों, डन करने के बाद जाएंगे इसकी सेटिंग में और इसकी ब्लर को दोस्तों कम करेंगे, 5 रखेंगे दोस्तों, और फेड को दोस्तों 38 पे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 40 पे। ठीक है दोस्तों, 40 पे डन कर देंगे। इतना हो जाने के बाद दोस्तों हम जाएंगे ऐड फोटो में। इस वाले दोस्तों फोटो को ऐड करेंगे। इसका पीएनजी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसको दोस्तों हम नॉर्मल इधर रख देंगे इस तरीके से, नीचे रख देंगे दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों हम इसे डन कर लेंगे। डन करने के बाद दोस्तों हम जाएंगे टूल्स में, कर्व में जाएंगे दोस्तों और इसे इस तरह से नीचे ले लेंगे। इरेज में जाएंगे दोस्तों और इसके इस तरह से शेडो बना लेंगे। और इस साइड में भी लगा देंगे दोस्तों थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, डन करेंगे। डन करने के बाद दोस्तों हम इसे थोड़ा सा इस तरह से ऊपर लेंगे और शेडो को इतना ही रखेंगे दोस्तों। इसके बाद डन करेंगे, फिर से एक बार ऐड फोटो में जाएंगे दोस्तों। इस वाले फोटो को दोस्तों हम ऐड करेंगे। इस फोटो को ऐड करके दोस्तों हम इसे इस तरह से इधर लगा देंगे और इसे इस नीचे से इरेज करेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे एडजस्ट में जाने के बाद ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे दोस्तों और सिचुएशन को दोस्तों थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, एकदम ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिर से ऐड फोटो में जाएंगे। ये दो पीएनजी फोटो लेंगे दोस्तों हम हेयर के। पहले इस वाले फोटो को ऐड करेंगे, ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे दोस्तों हम इसके। ये देखिए दोस्तों, इरेज में जाएंगे और नीचे से इस तरह से इसे इरेज कर लेंगे दोस्तों। साइज को फुल कर लेंगे दोस्तों, इसके बाद ऑपेसिटी को फुल कर लेंगे। एडजस्ट में जाएंगे दोस्तों, एडजस्ट में इसके ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस तरह से, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे दोस्तों, सिचुएशन को कम करेंगे,
ना। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर को दोस्तों थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है दोस्तों, डन कर लेंगे। इस वाले एयर को ऐड करेंगे दोस्तों हम, इसको हम इस तरह से इधर ऐड करेंगे। ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गिरेज में जाएंगे। गिरेज में जाने के बाद इसके हार्डनेस को कम और साइज को बढ़ाएंगे दोस्तों, और नीचे से इस तरह से गिरेज कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से। इसके बाद दोस्तों इसके ऑपेसिटी बढ़ाएंगे, एडजस्ट में आएंगे दोस्तों हम, इसके ब्राइटनेस को कम करेंगे दोस्तों इस तरह से। देखिए इतना ही रखेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, नहीं कम करेंगे, -9 रखेंगे दोस्तों। क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सिचुएशन को कम करेंगे पूरा, और टेम्परेचर को दोस्तों थोड़ा सा कम करेंगे। डन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे ड्रॉ में, और ड्रॉ में जाने के बाद 3 डॉट पे टच करके सेव फोटो कर लेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं लाइटरूम में। लाइटरूम में आने के बाद दोस्तों हमने हमारी फोटो ऐड कर ली है। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे लाइट में। लाइट में जाने के बाद दोस्तों एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे दोस्तों, हाइलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हाइलाइट्स को दोस्तों कम करेंगे, शेडो को बढ़ाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से वाइट को कम करेंगे दोस्तों थोड़ा, और ब्लैक को भी कम कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे कलर में। कलर में जाने के बाद दोस्तों ल्यूमिनस बढ़ाएंगे दोस्तों इस तरह से, इतना। ठीक है दोस्तों, और ब्लू कलर का दोस्तों हम इस तरह से कलर थोड़ा सा लाइट ब्लू कर लेंगे। ग्रीन कलर को दोस्तों हम पूरा सिचुएशन कम कर लेंगे दोस्तों उसकी, और येलो को भी सिचुएशन पूरी कम कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे फ़ोटो में बहुत अच्छा दिख रहा है दोस्तों फ़ोटो हमारा। इसके बाद दोस्तों इतना काम हो जाने के बाद डन करेंगे। इफेक्ट में जाएंगे दोस्तों, टेक्सचर में जाएंगे, टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्लेरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, विग्नेट को दोस्तों थोड़ा सा कम करेंगे हल्का 7, ठीक है -। डिटेल में जाके दोस्तों शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और कलर नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ये देखिए दोस्तों अपनी फ़ोटो, इसमें दोस्तों नॉइज़ कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। इसके बाद फिर से डिटेल में जाऊँगा, इसलिए मैं नॉइज़ रिडक्शन को कम करूँगा। ये देखिए दोस्तों, अभी परफेक्ट दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों सिलेक्टिव टूल में जाऊंगा। सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद लाइनर ग्रेडिएशन सेलेक्ट करके नीचे से दोस्तों इसका लाइट में जाके एक्सपोजर कम कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों, डन कर दूंगा, और फोटो देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, पिक्सआर्ट में हमारी फ़ोटो ऐसी थी, और अब देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा फर्क है। इसके बाद दोस्तों हम नॉर्मल शेयर में जाके सेव डिवाइस में कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये फोटो एडिटिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।